इस वीडियो में हम बनाएंगे इंस्टेंट खमन ढोकला। इसे बनाने के लिए हमने गिट्स का 180 ग्राम का खमन ढोकला का मिक्स लिया है। सबसे पहले हम इस मिक्स को एक बोल में निकाल लेंगे। फिर हम इसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक मिक्सर तैयार कर लेंगे। ये देखिए मिक्सर बनकर तैयार है। हमने इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया है। अब हमने एक बर्तन लिया है, इसे हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। इसमें हम मिक्सर को डाल देंगे। फिर इसे स्टीम करने के लिए हमने एक कढ़ाई में थोड़ा सा पानी गर्म होने के लिए रखा है। इसके ऊपर हमने स्टैंड रखा है। अब हम मिक्सर को थोड़ा इस तरीके से अच्छे से हिला लेंगे ताकि ये बर्तन में पूरी अच्छी तरीके से फैल जाए। अब हम इसे स्टैंड के ऊपर रख देंगे और इसे एक प्लेट से ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। अब 15 मिनट बाद हम इसे चेक कर लेंगे। चाकू जो है वो साफ निकल आया है, इसका मतलब हमारा ढोकला जो है वो अच्छी तरीके से स्टीम हो गया है। अब हम इसे ठंडा करके निकाल लेंगे। हमने इसे ठंडा कर लिया है, अब हम इसे इस तरीके से निकाल लेंगे। हमारा ढोकला अच्छे से निकल आया है। अब हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने तड़का पैन लिया है। इसमें हम ऑयल डालेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तब हम इसमें 1 चम्मच राई डालेंगे। फिर हम इसमें कड़ी पत्ता और बीच से 2 टुकड़ों में कटा हुआ हरी मिर्च डालेंगे, 1 नींबू का रस डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे। फिर हम इसमें 1 चम्मच के करीब चीनी डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसे 2 मिनट के लिए उबाल आने तक पकाएंगे। ये देखिए तड़के में अच्छा उबाल आ गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और तड़का को अच्छी तरीके से ढोकले के ऊपर फैला लेंगे। हमने इसे ढोकले के ऊपर अच्छे से फैला लिया है। अब हम इसे कट करेंगे। हमने ढोकले को कट कर लिया है। ये देखिए ढोकला कितना सॉफ्ट बना है। इंस्टेंट खमन ढोकला को बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इस ढोकला की रेसिपी को आप एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।